और आप MSP पर बात नहीं किए, MSP पर बात करिए। कानून के दायरे में क्यों नहीं लेके आते MSP को? किस लिए नहीं लेके आते? ये MSP की बात करते हैं, MSP बोल लिखित में क्यों दे रहे? कानून के दायरे में लेके आइए ना आप। जब तक कि मोदी सरकार ये तीन काला कानून वापस ना ले तब तक नहीं होगा। और आप MSP पर बात नहीं किए, MSP पर बात करिए। MSP पे कहते हैं ना कृषि मंत्री आठ पन्ने के पत्र में बोला ना। सर मैं अपनी सवाल पूरा कर लूं फिर आप अपना जवाब रखिएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आठ पन्ने का उन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि जो MSP दी जा रही है वो दी जाएगी, जो मालिकाना हक है वो भी मिलेगा। बना रहे हैं तो देश की जनता को है, बोला ना इन्होंने MSP दी जाएगी, लिखित में देंगे। तो कानून का ना बनाते हैं भैया, कानून के दायरे में क्यों नहीं लेके आते MSP को? किस लिए नहीं लेके आते? देखो बना रहे हैं क्या इन लोग को? आपको याद नहीं है नोटबंदी? नोटबंदी में मोदी जी खड़ा होकर बोले थे 50 दिन दे देना, 74 में खड़ा कर देना, कपड़ा खोल देना, नहीं तो झोली लेके हम चल जाएंगे। बोले थे ना मोदी ने, ये बात बोला था ना मोदी जी ने, तो 50 दिन दिए ना जनता ने। नहीं 50 दिन दिए ना, बोला कि काला कानून खत्म, अब ये खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नशा लाइट खत्म हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म। मोदी ने बोला ना, वो हुआ क्या? नहीं हुआ ना। आज भी नकली नोट, आतंकवाद सब कुछ चल रहा है ना, काला धन और काला कानून चल रहा है ना। तो मोदी ने उस समय बोला था, आज किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए ये MSP की बात करते हैं। MSP बोल लिखित में क्यों दे रहे? कानून के दायरे में लेके आइए ना आप। सारे किसान चाहते हैं कानून के दायरे में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। तो आप कानून के दायरे में लेके आइए इसको, तब हम समझेंगे ये बात कि हाँ कानून के दायरे में लेके आए। बीजेपी के एक मंत्री हैं जो रविशंकर प्रसाद है, वो कह रहे हैं किसान कितना भी आंदोलन कर रहे हैं हमें कोई फर्क पड़ने वाला है। अरे भैया देखिए, ये रविशंकर जी नाम तो भगवान का है, मगर इनका जो काम है ना, ये काम एकदम घटिया है। मैंने समझ लीजिए रावण जैसा काम है। ये सब किसानों का शोषण कर रहे हैं और ये सब किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं। और पैसा बीजेपी को अच्छा मिल गया कारपोरेट से, सामने इलेक्शन है बंगाल में, और भी जगह इलेक्शन था कश्मीर में। क्या लग रहा आपको, पैसे अकेला क्या लग रहा आपको जो भारतीय जनता पार्टी है? हाँ। क्योंकि वो किसानों से बात करने के लिए नहीं आते। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, हैदराबाद में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।